ओम शांति। पिछले कुछ महीनों में हमने अपने को और अपनों को इस वायरस से बचाना सीख लिया है, लेकिन अब जरूरी है कि अपनी सेहत, शरीर, हेल्थ का ध्यान रखने के साथ साथ हम अपने मन का भी ध्यान रखना शुरू करें। शुरू से हमें सबने बताया था, टेक केयर बट डोंट पैनिक, मतलब ध्यान रखो पर डरो मत। हमने ध्यान रखना तो सीख लिया, लेकिन हमने कहा डरो कैसे नहीं, डर तो स्वाभाविक है। और कुछ महीनों से हमने बड़े स्वाभाविक रूप से डर और चिंता ये क्रिएट करना शुरू कर दिया, और अब वो डर और चिंता हमारे मन पर हावी होना शुरू हो चुके हैं। इसलिए छोटी छोटी बातें जिससे हम अपने मन का भी ध्यान रख सकते हैं, सुबह दिन की शुरुआत बहुत जरूरी है। एक छोटी सी आदत बनाते हैं कि सुबह उठते ही सबसे पहले अपने फोन की तरफ नहीं देखेंगे। अगर हम सबसे पहली चीज अपने फोन को देखते हैं तो हम दुनिया की बातों को अपने मन पर ले आते हैं। सुबह का समय परमात्मा की शक्तियों को मन में भरने का है। सुबह का समय अपनी आंतरिक शक्तियों को जागृत करने के लिए है। लेकिन सुबह के पहले क्षणों में ही अगर दुनिया की बातें मन पर आ गई तो फिर हमारे मन पर वही चलेगा जो दुनिया में हो रहा है। इस समय सोच को बदलना जरूरी है, और सोच को बदलने के लिए जो हम सुनते, पढ़ते और देखते हैं उसका ध्यान रखना बहुत बहुत जरूरी है। तो ये एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा कि सुबह का एक घंटा हम फोन को नहीं देखेंगे। सुबह की पहली कुछ सोच, हमारे पहले संकल्प शुक्रिया के होने चाहिए। सारा दिन में आजकल बहुत कुछ मिल जाता है शिकायत करने के लिए, लेकिन अगर अपने मन को शिकायत की आदत से शुक्रिया की तरफ शिफ्ट करना है तो उसके लिए पहले संकल्प सुबह के, परमात्मा का शुक्रिया, अपने तन और मन का शुक्रिया, अपने परिवार का शुक्रिया, प्रकृति का शुक्रिया, कितना कुछ है शुक्रिया करने के लिए। फिर उसके बाद कुछ श्रेष्ठ संकल्प जिसको हम कहते हैं अफर्मेशंस। क्यों हमें ये श्रेष्ठ संकल्प करने हैं? क्योंकि इस समय जरूरी है, वैसे तो हमेशा ही जरूरी है, लेकिन इस समय बहुत जरूरी है कि हम अपनी मन की स्थिति को परिस्थिति से बहुत ऊंचा रखें, क्योंकि संकल्प से सिद्धि, संकल्प से सृष्टि, हमारी सोच से हमारी दुनिया बनती है। जो दुनिया में चल रहा है वो नहीं सोचना है, वो सोचना है जो हम चाहते हैं कि हमारी दुनिया में होना शुरू हो जाए। तो संकल्प से सिद्धि है, थॉट्स मैनिफेस्ट, हमारे संकल्प हमारी वास्तविकता बन जाते हैं। तो हमें अपने संकल्पों पर ध्यान रखना है। तो सुबह 10 संकल्प बना लेते हैं, और वो संकल्प होंगे जो हम चाहते हैं कि हमारा सत्य बने, हमारी वास्तविकता बने। पहला संकल्प, मैं शक्तिशाली हूँ, मतलब मेरा मन परिस्थिति और लोगों के व्यवहार से ऊपर है। मेरा मन बातों में डिस्टर्ब नहीं होता है, स्थिर रहता है, क्योंकि मैं शक्तिशाली हूँ। दूसरा संकल्प, मैं शांत हूँ, मतलब गुस्सा, चिड़चिड़ापन, दुख, इसमें हम अपनी शक्ति को नहीं गवाते हैं, मैं शांत हूँ। तीसरा, मैं निर्भय हूँ, ताकि आसपास का डर हमें छू भी नहीं सकेगा, मैं निर्भय हूँ। चौथा, मेरा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है और हमेशा रहेगा। आजकल कई बार जाने अनजाने एक संकल्प आ जाता है अंदर, अगर मुझे हो गया तो हमें सोच को खत्म करना है। ये सोच हमारे लिए अच्छी नहीं है, ये सोच हमारे परिवार के लिए भी अच्छी नहीं है। तो इसलिए हमारा सुबह का श्रेष्ठ संकल्प, मेरा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है और हमेशा रहेगा। अगला संकल्प, परमात्मा की शक्तियों और दुआएं मेरे चारों तरफ एक सुरक्षा कवच है, इसमें कुछ भी घुस नहीं सकता। परमात्मा की शक्तियों और दुआएं मेरे परिवार की तरफ एक सुरक्षा कवच है,
परमात्मा की शक्तियां मेरे काम, कारोबार, व्यवसाय, उसके चारों तरफ भी एक सुरक्षा कवच है। मेरी नौकरी, मेरा व्यापार, मेरी दुकान सब सुरक्षित है। मेरी आमदनी, मेरा मुनाफा, उसमें एक नंबर, एक फिगर लिख लीजिए जो आप चाहते हैं कि इस साल हो, और संकल्प करते जाइए। पूरे विश्वास के साथ संकल्प करिए कि इस साल ये मेरा मुनाफा होगा, ये मेरी सैलरी होगी। इसको रिपीट कीजिए बहुत बार, और फिर परमात्मा की शक्तियाँ और दुआएं पूरी सृष्टि के चारों तरफ एक बहुत शक्तिशाली सुरक्षा कवच है। वो चीज जो इस सृष्टि पर आई थी वो चली गई है, खत्म। हमें बार बार ये दोहराना है कि वो जो चीज आई थी खत्म हो चुकी है, चली गई है, फिर कभी ना आने के लिए। ये भी हमारा अफर्मेशन है। तो 10 संकल्प हो गए, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं शांत हूँ, मैं निर्भय हूँ, मेरा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है और हमेशा रहेगा, मेरे चारों तरफ परमात्मा की शक्तियों का सुरक्षा कवच है, इस सुरक्षा कवच में कुछ भी नहीं घुस सकता है, मेरे परिवार के चारों तरफ परमात्मा की शक्तियों का सुरक्षा कवच है, मेरे काम कारोबार के चारों तरफ परमात्मा की शक्तियों का कवच है, मेरी आमदनी, मेरा मुनाफा, फिगर लिख लीजिएगा, सृष्टि के चारों तरफ परमात्मा की दुआओं का कवच है, मेरी दुनिया सुरक्षित है। और 10वां संकल्प, वो चीज जो आई थी वो चली गई है, फिर कभी ना आने के लिए। ये है हमारे 10 अफर्मेशंस, 10 श्रेष्ठ संकल्प, जिनको हमें दिन में कई बार दोहराना है। फिर सुबह आधा घंटा स्पिरिचुअल स्टडी, आध्यात्मिकता का अध्ययन। स्पिरिचुअल स्टडी मतलब वो बातें अंदर जाए, हम वो पढ़ें, सुने, देखें जो हम बनना चाहते हैं। दिव्यता, पवित्रता, शांति, क्षमा, सुरक्षा, निश्चय, निश्चिंत, ये सारे शब्द हमारे अंदर सुबह जाने चाहिए, तो वो हमारी सोच बननी शुरू हो जाएगी, और जो हमारे संकल्प बनेंगे वो ही हमारा भाग्य बनेगा। फिर हर एक घंटे के बाद 10 सेकंड के लिए रुककर उन 10 संकल्पों को दोहरा लेना, क्योंकि हम अपने मन को एक नई भाषा सिखा रहे हैं। फिर रात को सोने का समय, सोने से एक घंटा पहले अपने आप को फिर से दुनिया की खबरें, बाकी कुछ जो हम टीवी पर देखते हैं, उससे रात को सोने से पहले एक घंटा इसको छोड़ देते हैं। यहाँ तक कि अपनी काम की बातें भी सोने से पहले ना पढ़नी चाहिए या ना देखनी चाहिए। एक घंटा हमारे मन को चाहिए ताकि उसकी गति धीमी हो जाए, और जब हम सोएं तो हमारा मन बहुत शांत और शक्तिशाली हो, तभी तो वो ऊर्जा हमारे शरीर को जाएगी और हमारे शरीर की भी सेहत बनेगी। सोने से 10 मिनट पहले फिर से कुछ स्पिरिचुअल स्टडी, कुछ बहुत प्योर शब्द मन में जाने चाहिए। और सोने से पहले आखिरी संकल्प, वो ही 10 संकल्प। तो सुबह कर लिए, रात को सोने से पहले कर लिए, और दिन में हर एक घंटे के बाद 10 सेकंड रुककर उनको दोहरा दिया। और आखिरी बात, जब हम भोजन करते हैं, आजकल हम सब सात्विक खाना ही खा रहे हैं ना, वेजिटेरियन। सात्विक खाना खाना बहुत जरूरी है इस समय, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। तो अन्न के जो वाइब्रेशंस होते हैं वो हमारे मन की स्थिति पर असर करते हैं। नॉन वेजिटेरियन खाना, उसके तो वाइब्रेशंस में ही डर होता है, क्योंकि उस जानवर की एनर्जी, उसके मन की स्थिति क्या थी, तो वो वाइब्रेशन इस समय हमारे लिए सेफ नहीं है। हमें तो अपने डर को खत्म करना है, हम डर की वाइब्रेशंस का खाना कैसे खा सकते हैं। तो सात्विक आहार, ये एक एक्सपेरिमेंट कुछ महीने को ले कीजिए। फिर खाना बनाते समय अपने रसोई घर में परमात्मा के याद के गीत, भजन, मंत्र रसोई घर में बजने दें। उसका एक एक शब्द, पानी, फल, सब्जी, अनाज,
हर चीज की ऊर्जा को बदल देगा। तो जब सब लोग उस भोजन को स्वीकार करेंगे तो वो खाना खाना नहीं, उनके लिए प्रसाद बन जाएगा और पानी अमृत बन जाएगा। खाते समय फोन और टीवी साथ में नहीं होना चाहिए कभी भी। परमात्मा को याद करके भोजन स्वीकार करें। और जस्ट खाना खाने से पहले वो 10 संकल्प फिर से दोहरा लेते हैं, और पानी पीने से पहले भी वो 10 संकल्प फिर से दोहरा लेते हैं। ऐसे सुनते हैं तो लगता है इतनी बार दिन में हम ये करेंगे क्या? जब इतनी बार दिन में हम हाथ धो सकते हैं तो फिर इतनी बार दिन में हम मन को भी तो साफ कर सकते हैं ना, क्योंकि मन साफ रहेगा तो मन सुरक्षित रहेगा, और जब मन सुरक्षित रहेगा तो शरीर भी स्वस्थ बनेगा। तो सुबह फिर हर एक घंटे के बाद 10 सेकंड के लिए, रात को सोने से पहले और हर समय भोजन करने से पहले, पानी चाय कॉफी जो भी मुख में जाता है उससे पहले सिर्फ 10 सेकंड रुककर उन 10 संकल्पों को दोहरा लेते हैं। अगर हम पूरे दिन में 15-20 बार भी इसको कर लेते हैं, सिर्फ 10 सेकंड, वो छोटा सा 10 सेकंड हमारा सोचने का नजरिया बदल देगा, और संकल्प से सिद्धि, हमारा भाग्य हमारे हाथ में है। सिर्फ सोच सही होने की जरूरत है। ओम शांति। डू सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल एंड फॉलो अस ऑन सोशल मीडिया।